हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो गए सुबह के जस्ट 8 बज रहे हैं। अभी मैं उठा क्योंकि मैंने सोचा जब तक ट्रक पर जाते हैं उससे पहले आपका डेली रूटीन कि हम उठ के सुबह क्या करते हैं, घर में क्या क्या काम करते हैं वो दिखाते हैं। लास्ट ब्लॉग में तो मैंने सिर्फ अपना घर बताया था, अब हम बताएंगे हम क्या क्या करते हैं। तो टाइम हो रहा है अभी 8 बज के जस्ट पूरे 9 मिनट, तो हमें लगे यहाँ से उठने। रात को भी आज यहाँ पे काफ़ी आंधी तूफान सा चल रहा था, लाइट नहीं आई। अभी जस्ट लाइट आई है तो नींद भी अच्छे से नहीं आई। तो चलते हैं बाहर, बाहर का देखते हैं। छोटा भाई यहाँ पे सोता है मेरे साथ, वो तो उठ गया कब से, क्योंकि वो उठ के चिकन जो हमारे वाले मुर्गे हैं वो देखता है कि वो ठीक है या नहीं है सब कुछ। अब मैं भी जाके एक बार देख लेता हूँ। तो मिलते हैं बाहर चल के। यहाँ पे देखो आप, मेरे से जो छोटा भाई है सुनील, ये बहुत ही ज़्यादा इसको नींद आती है। अभी इसको दूसरा भाई उठा के गया, नहीं उठा, उठ जाएगा 10 बजे तक। चलते हैं यहाँ से बाहर। उठ के आगे बाहर, वो देखो छोटे भाई ने ना पहले ही जो छोटे चिक्स हैं उनको खोल दिया है खाने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि इनको और जानवर ना मार दें इसलिए पूरा ध्यान देना पड़ता है। सारे छोटे छोटे फोकस सर, फोकस। सो गाइस, आज का सीन ऐसे बना कुछ कि बताया, जैसे हम सुबह उठे अपना नॉर्मल काम कर रहे थे, उसके बाद एक फिटिंग हमने ली हुई थी, आधी रहती थी आधी हमने पहले कर दी थी, फिटिंग करनी है पूरी। तो कहते वहाँ पे जाओ, वो यहाँ से काफ़ी दूर है, सिंगल रास्ता है, काफ़ी अच्छा व्यू है देखने को मिलेगा आपको। तो मैं वहाँ के लिए जा रहा हूँ अभी, बाइक बाइक ला रहा है थोड़ा यहाँ से। मेरे को एक सामान लेना था अपने उसके लिए, हम जो काम करते हैं जैसे आपको पता है प्लम्बर का था, थोड़ा शनी चाहिए होती, शनी एक न्यू लेनी है। फिर मिलते हैं आपसे चल के। तो देखा आपने रोज से रास्ते का व्यू, काफ़ी गंदा रास्ता है क्योंकि यहाँ पे 4 लेन का काम स्टार्ट हुआ हुआ है। तो जहाँ पे हम काम करने आते हैं वहाँ से उन्होंने काफ़ी सामान ले लिया, बट 3 पाइपें कम थी जो हमें ही साथ ले जानी पड़ेंगी। तो बाइक चला रहा है अभी, तो यहाँ से जस्ट निकले हैं अभी। रास्ता आगे का रास्ते का व्यू काफ़ी अच्छा है, वो दिखाऊंगा व्यू आपको मैं आगे रास्ते का। तो एक ही गाड़ी करके निकलती है यहाँ से, बिल्कुल गंदा रास्ता। मिलते हैं फिर आगे। वहाँ से रोड से, मेयर रोड से अंदर लिंक रोड पे, तो यहाँ से भी तकरीबन 40 किलोमीटर जाना है। आगे दिखाएंगे कहीं रुक के आपको रोड का, कहीं अच्छी सी जगह है दिखाने वाली, यहाँ पे भी देखने वाली अच्छी जगह है। गाँव ही आ गया पूरा, वो पीछे यहाँ पे टावर दिखाई दे रहा है, उसके पास हाईवे है। ये देखो आप रास्ते का व्यू, आगे एक अच्छी सी जगह है, वहाँ पे पुल है, छोटी सी नदी है, वहाँ पे रुक के दिखाता हूँ। उसके बाद बाइक में खुद चलाऊँगा क्योंकि काम के लिए अभी हम हो रहे हैं थोड़ा लेट। काम ख़त्म करके आते हुए आराम से हम ब्लॉग पूरा कंप्लीट करेंगे, वह उसके बाद कोई स्टेप नहीं मैं रिकॉर्ड करूँगा, फिर सीधा उनके घर। तो थोड़ा काम बताऊँगा कि काम क्या करते हैं हम, काम कैसे करते हैं, कितनी मुश्किल से करते हैं। काम करने के बाद आते हुए मिलेंगे, फिर मिलते हैं जगह पुल पे फिर आपसे। अब तक आप आ गया वो ब्रिज देख सकते हो आप पीछे, वो अपनी बाइक पुरानी हो गई है काफ़ी, सर्विस नहीं करवाई काफ़ी टाइम से। ये देखो आप पीछे का व्यू, वो नीचे रहा ना पुराना पुल, ये नया पुल है। वो भाई उसको फ़ोन आया, वो कर रहा है फ़ोन पे बात, तो दिखाता हूँ व्यू। देखो आप एक बार, बारिश हुई रात को तभी, पानी थोड़ा गंदा हो गया है। तो वो देखो भाई, यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी काम आती हैं क्योंकि एक लिंक रोड है ये हम अभी हैं अपनी जो तहसील सुंदरबनी है वहाँ से एक अंदर जा रहे हैं। अब हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, जो हमारा काम है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है। ये देखो ये आ गया वो पुराना ब्रिज, यहाँ से पहले रास्ता हुआ करता था, मतलब तो काफ़ी टाइम पहले, मेरे से भी पहले, यहाँ पे मैं भी काफ़ी कम ही आता हूँ। तो निकलते हैं यहाँ से, टाइम भी काफ़ी हो गया, काम ख़त्म करेंगे वहाँ पे, वो आते हुए अच्छे से वीडियो शूट करेंगे क्योंकि अभी पाइपें भी हैं हमारे पास, सामान भी पकड़ना पड़ता है, तो काम ख़त्म हो जाए तो बेस्ट है। चलते हैं भाई के पास। चलो भाई चलें, चलो भाई कैमरे में हाई कर दो। हाय। तो अब बाइक मैं चला दूंगा, बाइक यार तो हेलमेट पकड़ना। तो जस्ट चलाने लगे हम बाइक अब, तो मिलते हैं वहाँ पे जाके उनके घर पे। तो गाइस वहाँ पे हम पहुँच गए अभी, ये जो पुराना हमने काम किया था पहले, थोड़ा सा रहता पेंडिंग, ये कर रहे हैं। ये इस बाइक का घर है, मोटे से भाई का, मोटा भाई भाग गया।
बस ये इनका बाथरूम है, वॉशरूम, बाथरूम वॉशरूम दोनों नहाने का दूर। तो बस वो देखो फेरी सीट के लिए भाई कर रहा है सुराख, यहाँ से एक सुराख करना है वो वेस्ट पानी मेरे बाहर निकालने के चौपड़ लिए। यहाँ पे एक में टैप आ गई है ठंडे पानी की, गर्म पानी के साथ में अटैच करनी है। यहाँ का काम ख़त्म, फिर अंदर किचन का काम करेंगे स्टार्ट। इधर पैसे आसन में आन के महीने का 5000 रुपया सेव डेवी वन इस बार चैनल मंडे जाए तो हो गया काम ख़त्म। हालत देखो पूरा फेस गंदा, एक बार फिर से देख लें सारा अपना, हम देख लें ओके कि कोई प्रॉब्लम नहीं काम में, क्योंकि कल को लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये बाथरूम तो पूरा पहले का ओके था। अभी हमने क्या किया, ऊपर छत पे पाइपें लगाई हैं वो देखो आप। तो बस यहाँ से निकलने वाले हैं, थोड़ा मुँह हाथ धोएंगे, खुद की साफ़ सफाई, फिर बताते हैं आपको रास्ते का व्यू। तो गाइस निकल गए हम वहाँ से, अभी रास्ते का आप देख सकते हो व्यू। सुबह तो बहुत ही बुरी हालत थी, अभी थोड़ी धूप लगी है इसकी वजह से रास्ता थोड़ा ठीक हो गया, क्योंकि तो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह इतनी आती नहीं है। पिछले लास्ट टाइम यहाँ पर हम काम करने आए थे तो बाइक हम थोड़ी दूर मैं रोड पे ही खड़ी करके आए थे। अभी ऐसा है आगे देखो रास्ते का आगे कितनी बुरी हालत। तो अभी हम देख रहे थे यहाँ पे एक पास में मंदिर है, तो वो इस ब्लॉग पे नहीं, उसके लिए हम नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगा, एक नया ब्लॉग जाते हैं मंदिर पर, देखते हैं वहाँ का व्यू कैसा है। अच्छा लगा तो बताऊँगा आपको भी। तो देखो यहाँ का व्यू, आप वहाँ पे कहते हैं कोरोना है, कोरोना मतलब कोरोना सिटी, यहाँ पे पब्लिक रहती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल चल रहा है। मतलब यहाँ पे मेरा घर है ना, वहाँ पे फिर भी है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ऑलमोस्ट हाईवे रोड है तो पब्लिक ज़्यादा रहती है। देखो रास्ते का, पहले देखो रास्ता कितना डेंजरस है, मतलब बाइक ही उड़ा लें यहाँ से। तो इतना भी नहीं है हमारे लिए, तो नॉर्मल है, इतना हम चलते रहते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे कोरोना का वहाँ पे सीन है ना, शहरों पे इतना मुश्किल है, दुकानें बंद, यहाँ पे इतना गांव में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो जैसे यहाँ पे ये गांव है, तो यहाँ पे एक आध किलोमीटर के बाद एक शॉप आती है, तो इतनी वहाँ पे इतनी रश होता नहीं है, तो वो शॉप भी खुली ही रहती है। करो आप रास्ते का व्यू इंजॉय। अपने सब कैमरे व्यू आने पता चल लोग देखने से लगा हो गया लेकिन कैमरे की वीडियो चलना है, बिल्कुल स्टेबल के आराम चलना है ना। मेरा फोन बज रहा है यार, क्यों बारे बज रहे हैं ये सुना है। चलो भाई बहुत ही गंदा रास्ता मंदिर के लिए। ये हम है, ये हमारा मचरा मोटरसाइकिल है और ये चल रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा ये चल रहा है। तो गाइस वो ब्लॉग हमने कर दिया शूट मंदिर वाला, तो वो आपको नेक्स्ट कल देखने को मिल जाएगा ब्लॉग। तो वो दूसरी शर्ट पहनी, क्योंकि मैंने सोचा एक शर्ट में दो ब्लॉग, तो हमारे सब्सक्राइबर क्या सोचेंगे, कपड़े नहीं है भाई के पास। मैं सही बात है, भाई की हालत अभी बहुत ही ख़राब चल रही है, दिखा नहीं सकता आपको, डे लाइफ का दिखाऊंगा भाई की हालत कैसी चल रही है, क्या क्या मेरे को घर में काम वगैरह करने पड़ते हैं। कल भी मैंने एक ट्रैक्टर की ट्राली होती है ना, वो पत्थरों से लोड की, पर उसका मैं ब्लॉग बना नहीं पाया, तब मेरा फ़ोन कहीं दूर था, तो अचानक ही हमें लोड करनी पड़ी। आगे नीचे हाईवे रोड, यहाँ से अगर सीधा हम जाते हैं हाईवे में, यहाँ से जो बामला है वो लिखा हुआ है 2 किलोमीटर, ये रहा बामला 2 किलोमीटर। हमें पर बाम्बे नहीं जाना, क्योंकि सिटी में पुलिस वाले हैं तो वो परेशान करते हैं, आई थिंक रोकते हैं सुनने में। हम यहाँ से आए थे, हमें वहाँ से अंदर लिंक रोड से जाना है, वहाँ का आपको व्यू भी दिखाना है ना। तो यार देखो ट्रक, देखते हैं यार अब जाता है ट्रक में, नहीं 12 चक्की गाड़ी, बिल्कुल ही नई गाड़ी, यहाँ देख के ना कुछ कुछ होता है। अब यहाँ से हम जाएंगे राइट, भाई राइट लेना, यहाँ से जाने तो पीछे कोई नहीं है, कोई भी नहीं पीछे, बिल्कुल सुनसान रोड, क्योंकि यहाँ पे ये भी छोटा सा मंदिर है, गाँव में मंदिर बहुत ही होते हैं।
वापस हम उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां हमने सुबह जाते हुए वीडियो बनाई थी। यहां से देखो, यहां से वहां का व्यू, उस पुल से हमने बनाई सुबह वीडियो। यहां से अब थोड़ा ही रह गया हमारा घर। यहां से 4 किलोमीटर तकरीबन होगा जो मेन हाईवे है, जो हमने पीछे हाईवे देखा, हाईवे वही है, वो थोड़ा लॉन्ग था, घूम के आता था। ये देखो आप पुल। तो गाइस फाइनली पहुंच गए अपने घर। यहां से हमारे घर का आ गया लिंक रोड, एक आधा किलोमीटर जस्ट नीचे जाना पड़ता है हमको यहां से रोड पकड़ के। नीचे मतलब थोड़ी जगह डाउन में है, इसलिए बस देखो पूरी उतराई आके खड़ी जा रही है। काफ़ी गंदा रास्ता। अब घर पहुंच के ही देखते हैं क्या सीन है आगे का। पहुंच के अपने घर पे, जस्ट अभी ही पहुंचा था। घर के पास से एक भाई है, उनका फ़ोन आया, कहते कि पाइप थोड़ी टूटी है, वो ठीक करके देखे जाओ। तो दो रेंच लेके वहाँ जा रहा हूँ, देखता हूँ पाइप में क्या प्रॉब्लम है। देख आते हैं यार, घर के पास हेल्प करनी चाहिए, हम करेंगे तो फिर वो भी करेंगे, कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। तो भाई ने भी चिक्स वगैरह खोले हुए हैं, तो वो देखो एक तो वो पीछे घूम रहे, कुछ दिखाई दे रहा नहीं दे रहा वो पेड़ के पास। तो सो इस ब्लॉग को करेंगे यहाँ पर ख़त्म। बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, काम पे कमी है प्लीज़ बताना मेरे को। अगर अपने भाई का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करो भाई को। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट आपको ब्लॉग मिल जाएगा, जो हमने इस ब्लॉग के पीछे ही एक ब्लॉग और शूट किया है मंदिर का, वो आपको इसके नेक्स्ट कल देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे। जय हिंद।